खरोड़े यानी कि टॉटर्स, तो उसके लिए मैंने ये 10 खरोड़े लिए हैं और इसमें से जो है कुछ खरोड़ों को जो है मैंने डीप कटवाया है और कुछ को मैंने ऐसे ही नॉर्मल रखा है। इससे क्या होता है कि जो मैरो होता है वो निकलता है और उसी से जो है ये थिकनिंग आती है ग्रेवी के अंदर, आप ये देखिए। और इनको साफ़ कर लिया है, साफ़ करने के बाद अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगा। मैं प्रेशर कुकर में पका रहा हूँ क्योंकि इससे प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगा ये प्याज का लच्छा, ये साबुत हरी मिर्ची, साबुत लहसुन और ये अदरक, साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया फ्लेवरिंग के लिए। अब डालेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें साथ में डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे मैंने इसमें डाला तेज़पत्ता, एक स्टार अनीस, एक जावित्री का फूल, कुछ काली मिर्ची और लौंग, और कुछ मैंने इसमें डाला है छोटी इलायची। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, इसको हिला लें एक बारी, ये इसे पानी डल गया। और अब मैं इसका प्रेशर कुकर को बंद करूंगा। पहली जो सीटी आएगी इसकी, जो फर्स्ट विसल आएगी, उसके बाद हम गैस को हल्का कर देंगे करीबन आधे घंटे पौने घंटे के लिए। उसके लिए मैं लूँगा देसी घी, इसमें डाल देंगे 1-2 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, 1-2 छोटी इलायची, 1-2 लौंग। इसमें मैं डाल दूँगा प्याज पेस्ट करके, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा साइडों पे। देखिए प्याज हमारा भुनना चालू हो गया है, धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे साथ में थोड़ा सा हम पानी, और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप जितना मसाला भूनेंगे आपके खरोड़े उतने ही बढ़िया बनेंगे। डालूंगा इसमें थोड़ा सा दही, क्योंकि इसमें टमाटर का यूज नहीं कर रहा हूं मैं। हम दही को भी भूनेंगे साथ में, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट को भी, इसको इसी को भी साथ में ही भूनेंगे हम। आपको दिखा देता हूँ खरोड़ों की क्या कंडीशन है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। ये देखिए खरोड़े हमारे गल चुके हैं पूरे, और अब इनको निकलवा के मैं इस पानी को छनवा दूंगा और फिर इसके बाद इसमें डालूंगा। अभी इसमें डालूंगा मैं नमक, क्योंकि नमक हमने खरोड़ों में भी डाला था, उसी हिसाब से नमक डालना है हमें। अब मैं इसको खरोड़ों को इसके अंदर डाल दूंगा और थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको इसके मसाले के साथ घुमा के भून लूंगा। खरोड़े हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगा स्टॉक। अब हम इसको उसमें उबालेंगे, और हाँ ना ही मैं किसी कॉर्नफ्लोर का या किसी चीज़ का इसमें यूज़ करूंगा, ये अपने आप ही पक के गाढ़ा होगा। ये मेरा अपना बना हुआ गरम मसाला है। अब लास्ट में इसके अंदर वो डालूंगा मैं, और ये जाएगा इसके अंदर हरा धनिया और ये अदरक का लच्छा, ये आपकी चॉइस है अगर आप डालना चाहें तो। और साथ में डालूंगा थोड़ी सी कसूरी मेथी, बस। ये देखिए विदाउट कॉर्नफ्लोर कितना गाढ़ा है, ये कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं है। ये जो खरोड़े हैं बनके तैयार हैं, अब मैं इसको सर्व करता हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये सारा जेलेटिन है जो कि खरोड़ों के अंदर होता है,
और अब मैं इसको सर्व कर रहा हूँ। ये गया इसके ऊपर हरा धनिया, ये गया इसके ऊपर गरम मसाला, बस लो जी।